press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एम। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अमेज़ॉन एप्लीकेशन पे 50 रुपीज़ का रिचार्ज करके पूरे 50 रुपीज़ का कैशबैक कैसे लें। तो इसके लिए आपको सेंटर में अमेज़ॉन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ लोडिंग होने के बाद आपको नीचे की तरफ मोबाइल रिचार्ज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 50 रुपीज़ कैशबैक वाला ऑफ़र है वो यूज़र स्पेसिफिक होता है, यानी कि वो अमेज़ोन की तरफ से कुछ सेलेक्टेड यूज़र्स को मिलता है। अगर आपके पास मोबाइल रिचार्ज ओपन करने के बाद इस तरह का बैनर शो होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको भी रिचार्ज करने पर 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और कॉन्टैक्ट से अपने मोबाइल नंबर को सेलेक्ट कर लेना, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर को मैनुअली यहाँ पर एंटर भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे की तरफ व्यू प्लान्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने सिम कार्ड के सारे एक्टिव प्लान्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं टॉप अप सेक्शन पे जाता हूँ और 50 रुपीज़ का रिचार्ज प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर उससे ज़्यादा का कोई भी दूसरा रिचार्ज प्लान भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ लोडिंग होने के बाद आपको पेमेंट मेथड मिल जाएगा। और दोस्तों, और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इस रिचार्ज का पेमेंट अमेज़ॉन पे बैलेंस से करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक नहीं मिलेगा। कैशबैक लेने के लिए आपको अमेज़ॉन पे UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर टैप करना है और दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी UPI पिन एंटर कर देना है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। और इसके बाद चलते हैं अमेज़ॉन पे सेक्शन पे। मैं आप लोगों को अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि ट्रांजैक्शन पर आप देख सकते हैं, 50 रुपीज़ का रिचार्ज करने के बाद मुझे 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल चुका है। तो इसी तरह आप भी रिचार्ज करके 50 रुपीज़ का कैशबैक ले सकते हैं।